जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो खैरियत से हैं बेटा? ठीक है। आज हमने जो क्वेश्चन करना है बेटा वो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अंडर रूट 3 है और एक्स का स्क्वायर है प्लस एक्स है और हमारा कांस्टेंट इज इक्वल के उस साइड पर है। तो हम सबसे पहले अपने कांस्टेंट को इज इक्वल किस तरफ लाएंगे। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है अंडर रूट 3 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 अंडर रूट 3। हमारा ए बी सी और निकल रहा है तीनों में से। मैंने ए बी और सी को फाइंड आउट कर लिया, बताया कि ये है, इनको स्पेसिफाई किया और आगे चला हूँ तो आगे चल के मैंने फार्मूले में पुट कर दिया। बी की जगह बी की वैल्यू आ गई फार्मूले में, 4 की जगह आ गया, ए की जगह अंडर रूट 3 आ गया और उसी तरीके से सी की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 है। ये बात बड़े ध्यान से समझने वाली है कि जो 4 फार्मूले का है वो माइनस का है और जो अंडर रूट 3 के साथ -4 है वो भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, 4 से होगा 16। ये स्टेप में देखिए, और अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 खाली बचेगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें देन 48 आता है आपके पास। तो -1 बाहर रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 48 करेंगे तो 49 हो जाएगा। यूँ 49 एक कंप्लीट स्क्वायर है बेटा 7 का। 49 को एग्जीक्यूट करेंगे, स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो 7 आ जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है कि प्लस माइनस अंडर रूट सेवन जो खाली है इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में खोलना है। यूँ जैसे मैंने ओपन किया, ओपन करेंगे इसको, माइनस वन प्लस सेवन ओवर टू अंडर रूट 3 और इसी तरह माइनस वन माइनस सेवन ओवर टू अंडर रूट 3। माइनस वन प्लस सेवन 6 ओवर 2 अंडर रूट 3 हो गए, कैंसिल हुए, 3 ओवर 3 अंडर रूट 3 आ गए। यहाँ पे हम अंडर रूट 3, अंडर रूट में जो भी वैल्यू आती है तो हम रैशनलाइज करते हैं, हमने 9th में सीखा था। अब 10th में आके आपने उन क्वेश्चंस को ज़रूर रैशनलाइज करना है जिनके ऊपर फिगर्स और नीचे फिगर्स सेम होंगी बट अंडर रूट का फ़र्क होगा। जैसे ऊपर 3 और नीचे अंडर रूट 3 है तो आपने इसको रैशनलाइज ज़रूर करना है, अदरवाइज दूसरे फिगर्स को आप रैशनलाइज करें या ना करें उस पर आंसर पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, इसको करना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे कि 3 ओवर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 3 अंडर रूट 3 बन गया और नीचे अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन गया। अंडर रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो खाली अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये मेरा एक सॉल्यूशन सेट आया। अब माइनस 1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 करें तो माइनस 1 माइनस 7 क्या हुआ, माइनस 8, माइनस 8 ओवर 2 अंडर रूट 3, 2 8 से कैंसिल हो जाएगा, कटिंग होगी तो क्या होगा, माइनस 4 ओवर अंडर रूट 3। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। यूं करके आप सॉल्यूशन सेट लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 7th पार्ट मैंने किया है, थोड़ा सा नीचे से सॉल्व नहीं किया, अनसॉल्व है वो आपने सॉल्व करना। क्वेश्चन ये है कि आपको कहा है उसने कि 3 ओवर एक्स माइनस 6 माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम आपने लेना है, आपके आप जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल नहीं है। और मैंने ये 9th में आपको एक मेथड सिखाया ताकि हो बोथ साइड्स पर आप मल्टीप्लाई कर दें। तो आपने x माइनस 5 x माइनस 6 को 3 वाली फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 वाली फिगर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उस साइड पे 1 के पास साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो नीचे डिनोमिनेटर सेम थे वो कैंसिल हो गए, 3 के साथ x माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 है, माइनस 4 के साथ x माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा और उधर x माइनस 5 और x माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिगर बन जाएगी ये, सारा सॉल्व करके आपके पास बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ये, x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 जो बन जाएगा आपके पास। इसके आप स्टैंडर्ड फॉर्म में से आप ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करें। ए क्या है 1, बी माइनस 10 है और सी है आपके पास 21। अब आप इसमें पुट करेंगे, थोड़ा सा मैंने फार्मूले में आगे वैल्यूज़ को मेंशन किया है आपकी आसानी के लिए, ज़रा समझिएगा कि माइनस बाहर है जो फार्मूले का है और बी की वैल्यू के साथ भी माइनस है, वो मैंने बी की वैल्यू की जगह ब्रैकेट में माइनस लिखा है जो कल मैं बता रहा था कल लास्ट वाले लेक्चर में आपको। और इसी तरीके से b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू ब्रैकेट में आई माइनस 10, ऊपर स्क्वायर लग गया। यहाँ पे याद रहे कि स्क्वायर जब माइनस साइन के ऊपर आता है तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा।
और साइड पे आ जाएगा माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई 21, फोर वन ज़ा फोर, 21 ज़ा 84 हो गया। तो 100 में से 84 लेस करें, 16 आता है, 16 एक कंप्लीट स्क्वायर है। जब आप कंप्लीट स्क्वायर लेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था आपने। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे ही है, दो फैक्टर्स बनेंगे इसके सॉल्व करने के बाद। आगे सॉल्व कीजिए, इसके क्वेश्चन तकरीबन आगे एक जैसे हैं, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा बेटा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, दूसरा मैंने आज थोड़ा सा मेथड चेंज किया वीडियो का, उम्मीद करता हूँ कि इसमें आसानी हुई होगी, मुश्किल नहीं हुई होगी आप लोगों को। तो अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।